टीम हमारे साथ है सरमद कदी और उनसे गफ्फी जारी है। आइए उनसे मजीद जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। तो सरमद, जब आप सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए, पहला गाना आपका वायरल हो गया, तो उसके बाद जब पहला फैन मिला होगा आपको, तो क्या फीलिंग थी और मतलब क्या मतलब जब आपको फील हुआ, आपने कैसे रिएक्ट किया? पहली दफा किसी ने बोला कि सेल्फी लेनी है कहीं रोड पे जाते हुए, किसी मॉल पे, कहीं भी, जब पहला फैन था ना, वो फीलिंग बताएं। मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं एयरपोर्ट पे था, इमिग्रेशन ऑफिसर, उन्होंने सबसे पहले पहचाना, उन्होंने कहा आप वही हैं जिनका वो फरहाना मकसूद के साथ भी एक सॉन्ग है। मैंने कहा जी जी, कहती मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, मैंने कहा यार मैं इसको क्या जवाब दूँ इस टाइम, मुझे तो ये भी तो उस पर मुझे ये चीज़ समझ आई कि आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जब नसीबो लाल के साथ जब हुआ तो उसके बाद एकदम से ह्यूज फैन फॉलोइंग बढ़ी ना, तो उसके बाद एक्चुअली पता चला कि फैंस होते क्या हैं, बिकॉज एकदम से जहाँ जाना लोग दूर से देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं आपको, लड़का जो बैठा हुआ ना ये कहीं देखा देखा लग रहा है, ओह हाँ ये तो वो है जिसका वो गाना है। गाबत तो आप गाड़ी में चला रहे हो तो गाड़ी में लोग आपको देख के वो बात कर रहे हैं आपके बारे में, आपको पता चल जाता है, फ्लिप रीडिंग कर लेते हो, तो वो चीज़ें बड़ा मज़ा आता है। और वो बहुत ही मजे की होती है, क्योंकि आपने एक चीज को पाने के लिए इतनी स्ट्रगल की होती है, जब वो मिलती है तो बहुत ज्यादा। पहला गाना आपका वही था फरहाना के साथ जो आपने किया? पहला गाना मेरा था लामीना लामीना वे कदरा ना यारी, वो सोलो सॉन्ग था। फिर सेकंड था वे माही घर आप, इसमें गाना आया था ना तड़फा है इश्क दे मारे नू। तो अभी आप फैंस को कौन सा सुनाएंगे? कोई सुनाऊंगा, कौन सा सुनाऊं इनको, कौन सा पसंद है आजकल? एक गाना है वो बड़ा डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट था, लोगों को ऐसा ही लगता है कि वो भी कोई मेरा दिल से टूटा था तो मैंने बनाया था, लेकिन इसके पीछे कोई रियलिटी स्टोरी नहीं है। ये वाली जो सच्चाइयाँ है ना आज हम जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ इनके फ्रेंड भी हैं, इनके कज़न भी हैं, और ये हम सब जानते हैं कि हमारे जो राजदार होते हैं वो भाई होते हैं या दोस्त होते हैं, तो आज हमारे साथ दोनों ही हैं और हम आज सारे राज जानेंगे। चले पहले हम गाना सुनते हैं। तो गाना था क्या सी तेनू मेरी जान जप दी फिरेंगी मेरा ना, जिथे ना वजन मेरे गाने नी बचिया ऐसा कोई था, हुण सुन जरा खड़के बिलो दिल फड़के करनी सी गल जड़ी में, जे अज तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच उड़दा ही मेरा प्लेन, जे तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच उड़दा ही मेरा प्लेन। बात तो है ही आपकी, लाइव आपको सुनते भी बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू सो मच। और मुझे भी थोड़ा लग रहा था शायद ये किसी दिल टूटने के गम में बनाओ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लग कसम से कि मैं छत पे बैठा है, दो तीन दफा जहाज उड़ा है, पास ही तो एयरपोर्ट है। हाँ। तो उसकी वजह से वो देख के बन गया, मैं कहा यार प्लेन पे गाना नहीं, ऐसा कोई ऐसा वैसा बना इसको बना देते हैं, सो वो बन गया। तो कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली ऐसा होगा तो ऐसा ही ना कि आप ये तो बताओगे ना कि भाई मैं प्लेन में फिरता हूँ, सब गाड़ियों में फिरती है, तो आगे तो एक्सप्लेन भी तो करता है ना वो, हाथ जोड़ तेरे अके तेरे ले भी पाए सी, जिन्हें जो सीगा तेरे चा भी पुगाए सी, मेरे नालों सोना सीगा तेनू तेरा नखरा, अज मुंडा जट्टां दा ही जग नालों वखरा, जे तू किता हुंदा वेटे अज लब्भणा सी सेठ पर चलिया नहीं उदों तेरा ब्रेन, जे अज तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच मेरा एरोप्लेन, जे तू गड्डी सो एक ये फनी गाना लगता है मुझे तो। अब हम जानेंगे कि आप किनके ज्यादा क्लोज हैं, मामा के या पापा के? दोनों के बहुत ज्यादा, मेरे तो दोनों फ्रेंड्स। कितने बहन भाई हैं आप? दो भाई हैं। दो भाई आप और आपके अलावा एक और भाई जी। तो आपको कभी कभी महसूस नहीं है कि बहन भी होनी चाहिए थी? वो बचपन में होती थी, बाद में। अब आपकी बहुत सारी बहनें हैं? बहुत सारे, अब तो बहुत ज्यादा है, बल्कि नहीं अब बहन बनता ही कोई नहीं है, यही तो मसला है, लेकिन हाँ बचपन में बहुत ज़्यादा कमी फील होती थी उस चीज़ की, दिल करता था लोगों की, देखते थे छोटी छोटी बहनें हमारी भी होनी चाहिए। सरमद कदीर के भाई हारून और उनके फ्रेंड आकिल हैं हमारे साथ, और
आइए उनसे जानते हैं तरमत के बारे में, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? मैं भी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? और कितनी टाइम पुरानी आपकी फ्रेंडशिप है? तो कितने साल हो गए? बचपन की वाह ओके, बचपन की फ्रेंडशिप इतनी लॉन्ग टर्म हमारे बचपन के ही दोस्त हैं आज तक, नए वाले नहीं बने कोई। ये बहुत अच्छी बात है कितने के, वैसे भी ये मतलब बुजुर्गों ने कहा भी हुआ है कि वो सबसे अमीर इसका एक अच्छा फ्रेंड है, तो आप उनके पास तो एक पुराना भी और एक अच्छा फ्रेंड भी है। बिल्कुल, वैसे मेरे तो लॉन्ग टर्म फ्रेंड नहीं रहते। लड़कियों के वैसे नहीं रहते जी, तो हम चलते हैं हारून की जानिब। तो हारून आज आपने राज बताने हैं, राज भी हम जानेंगे सरमद कदीर के, लेकिन अभी तक तो उन्होंने बहुत बताया कि मैं बहुत अच्छा बच्चा था, मैं शरारतें भी नहीं करता था घर पे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि मैं तो किसी लड़की को मतलब देख भी लेता था, दिल में रख लेता था। तो आपने उस राजों को भी बताना है। सबसे पहले आपने बताना है कि घर पे कैसे थे, बहुत शाय थे या फिर शरारतें भी किया करते थे? बच्चा हो और शरारत ना करे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, तो ये कैसे थे? शरारती तो नहीं थे इतने ज़्यादा, लेकिन ये कि हमेशा मुझे मार ज़रूर पड़वाते थे। कोई गलती खुद भी होती थी तो पापा के सामने ये बोल देना कि इसका कसूर था। छुपे रस्ता जी, बिल्कुल। और ऊपर से वो शक्ल से भी थोड़े ज़्यादा इनोसेंट लगते हैं, तो घर वाले जल्दी यकीन कर लेते होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही, और इसकी बात पे सब लोग काफी यकीन करते हैं। जी मैं छोटा हूँ। छोटे होने का फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन इनकी बात पे ज्यादा यकीन करते हैं ना घर वाले। चलिए आपके साथ ही, आप सबसे बड़े गुड, मैं गुड बुक्स में हूं हमेशा से। गुड बुक्स में मतलब कि ये छुपे रुस्तम रहे हमेशा से, अपने मुद्दे भी दूसरे पे डाल देते। सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। मतलब वो भी इनका हिडन टैलेंट है जो अभी तक नाजिम से वाकिफ नहीं है। अब हम चलते हैं फ्रेंड की जानिब। तो आप फ्रेंड जो होता है ना वो बड़े राजदार होते हैं ना, भाई भी राज जानते हैं लेकिन फ्रेंड कुछ ज्यादा राज जानते होते हैं जो शायद किसी को नहीं पता होते। तो आपको इनकी कौन कौन सी राज पता है वो बताने आज आपने? मुझे तो बहुत कम राज पता है। ऐसा नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा झूठ है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब बचपन का दोस्त, इतना पुराना दोस्त और उसे पता ना हो राज का? नहीं एक्चुअली हम लोग ऑनेस्टली मैं बताता हूँ कि राज तो हमारे ऑब्वियसली सब जानते हैं, बचपन से भाइयों की तरह है। और लेकिन कोई ऐसा राज आज तक है नहीं है। आप एक्चुअली अगर उनसे कोई उनको तो बताते ना कि राज कैसा जानना चाह रही है, फिर शायद वो बोले। ठीक है, हमने इनसे पूछा कि इनकी पहली मोहब्बत या और मतलब कितनी मोहब्बतें हुई, मतलब ये पहली मोहब्बत तो एक हल्की सी हुई थी जो स्कूल के टाइम में, जब शायद इन्हें पता भी नहीं था मोहब्बत क्या होती है। उसके बाद तो कोई वो रिंग वाली बता दी है स्टोरी, ये रिंग वाली स्टोरी आ रही है, वही वाली स्कूल वाली, स्कूल वाली स्कूल में पहली मोहब्बत बेसिकली जब हुई थी तो उसके लिए बड़ा सीरियस हो गए थे। और हम लोग छोटे छोटे थे, फिफ्थ क्लास में भाई था और मैं फोर्थ क्लास में था, तो हमारा एक हम लोग चार कजन पढ़ते थे एक ही स्कूल में, तो इनको जो पहली मोहब्बत हुई थी तो बड़े सीरियस हो गए थे उसके लिए ना, शादी तक बात पहुंच गई। तो स्पेशली जाके स्पेशली जाके वहाँ से रिंग ली और जाके मामा से बात किया कि जी मुझे बड़ी शदीद मोहब्बत हो गई है। तो मामा ने क्या बोला कि बहुत पसंद है? वो हंसती थी कि अभी छोटा सा था ये। और फिर जब मामा नहीं मानी जाने के लिए, तो फिर हम लोग हमारा चार लोगों का चार कजन का गैंग होता था पूरा, तो हम लोग चारों उनके घर चले गए लड़की के, और उसके बड़े भाई से जाके बात की कि जी पता नहीं मदर से मामा से, उसकी मामा से बात की कि जी मैं आपकी बेटी को बड़ा पसंद करता हूँ और उसके लिए रिंग लेके आया हूँ। मैंने की तो फिर तो कैसा रिएक्शन मिला उनकी फैमिली से? हंसना शुरू हो गए थे, प्यार करते थे। बेटा भी पढ़ाई करो आप, साथ साथ ही है ना। तो पढ़ाई आपने फिर उनकी एग्जैक्टली, तो फिर उन्होंने उसी शौक में फिर आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की, पढ़ाई में ब्रिलियंट थे, तो ये वजह उस मोहब्बत की वजह से आपको मजे की बात बताऊं, जो वो लड़की थी वो मेरी क्लास फेलो थी। अच्छा, तो हम लोग का हमेशा से कंपटीशन भी था कि कौन किसके नंबर ज्यादा अच्छे आएंगे, तो हमारे उस टाइम फिफ्थ क्लास में बोर्ड के पेपर्स हुआ करते थे, तो वो हमेशा एक नंबर आगे लेकर रहती थी। जो हमारे फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया तब भी उसके 222 नंबर्स थे, मेरे 21 नंबर ज्यादा था उसका। तो वो फिर मुझसे जब किसी ने पूछा कि यार तू एक नंबर बन गया या जानबूझ के मैं एक नंबर पीछे रहता हूँ, सही है भाई, मतलब कि इस हद तक कि तब उनको चाहते थे। मैं तो मान बैठा था, मैं बता दूं, मतलब पक्के थे आप इस बात में कि बस अब इससे हो जाए। मैंने तो जेनी तो उसका नाम भी सेकंड नाम सरमद बना दिया, वो था सेकंड। तो दोबारा कभी मुलाकात हुई? नहीं कभी भी नहीं, कभी भी नहीं।
बिल्कुल भी नहीं. इट्स बीन आई थिंक 16 17 इयर्स. उसके से भी ज्यादा हो गया होगा शायद. मतलब फिफ्थ क्लास फोर्थ फिफ्थ क्लास में क्या होता है, अब तक तो शादी भी होगी होगी. मुझे तो लगता है वो बच्चे भी होंगे, तो मामू भी बन चुके होंगे. फिलहाल तो इसके बाद जब ये मैच्योर हो गए, मुझे तो इनकी एक ही मोहब्बत का पता है जो आज तक मतलब मेरे माइंड में. कौन सी वाली? जी बता. इस्लामाबाद बताए. इस्लामाबाद वाला वाक्य आप आएगा बताए बताए. वो मोहब्बत हुई कैसे इन्हें? नहीं, जो भी मोहब्बत होती है वो होती सच्ची है. हर बार जो मोहब्बत होती है सच्ची होती है. जितनी बार भी होती है मोहब्बत बड़ी सच्ची. ये ना किसी ऐसी मतलब एक फ्रेंड है उनसे भी ऐसा ही मतलब सुनने में आया था कि मुझे अब तक 10 मोहब्बतें हो चुकी, 10 बार मुझे लगता है कि मैं सच्ची मोहब्बत हुई है. तो ऐसा होता है, ये मजाक नहीं है. तो मुझे बुजुर्गों ने प्योर दिल चाहिए. मेरी बात सुने, देखिए पहले जो खत्म हो गया हो गया, अगली बंदियां क्या कसूर है, हमें तो अपना 100% देना चाहिए. सही है, मतलब बिल्कुल. आप उनको उनको नहीं पता, फील नहीं कराना चाहते ना कि ये पहली मोहब्बत थी. हर बार ये बोलते हैं कि ये पहली मोहब्बत थी. याद आता है, मैं पहले बता देता हूं, मैं तीसरी पहली, तुम चौथी हो और पहली तीन भी सच्ची थी. और इस बात पे ओके. हां हां, एक राजी हो जाती है, सच्चा आदमी. हाँ ये भी है ना, बताता कौन है. मैं खुद खुद जाता हूँ उसमें. तो वो इस्लामाबाद वाली को बता रहे हैं कुछ सच्ची मोहब्बत थी. अब है तो क्या मतलब कैसे मोहब्बत हुई और अब कहाँ तक आगे बड़ी स्टोरी? कोई स्टोरी नहीं बड़ी, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मोहब्बत सच्ची है. अब ये बात अब गौर कर रहे हैं. ये अब थोड़ी सी ना, देखें अब तो वाकई शादी की उम्र हो गई है. तो अब अगर होगी तो अब डायरेक्ट शादी होगी. अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मोहब्बत है मुझे तुमसे, मैं सीधा रिश्ता लेके. चलिए अब हम आपको पता है मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पांचवी क्लास से डायरेक्ट रिश्ता लेके. रिश्ते लेके जाने की आदत जो है ना वो. मतलब ठीक है, अब जो रिश्ता लेके जाने में बहुत फास्ट हूं. चलिए हम उम्मीद करते हैं जो भी हो अच्छे के लिए हो, लेकिन अभी टाइम हो रहा है ब्रेक का. सो नाउ देन लेट्स हैव अ ब्रेक.